कनेक्टिव टिश्य टाइप्स एंड फंक्शंस फ्रेंड्स अगर सबसे पहले हम कनेक्टिव टिशूज़ की बात करें तो कनेक्टिव टिशूज़ ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एनिमल्स के अंदर एग्जस्ट करते हैं उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ है। एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिशूज एग्जिट करते हैं उसमें एपिथिलियल टिशूज हैं कोनेक्टिव टिशूज हैं मसल टिशूज हैं नर्वस टिश्यूज़ हैं तो फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिशूज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसमें है, 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 है. तो है, सबसे है, डाइवर्स जो हमारे पास आते हैं दी आर दी क्नेक्टिव टिशूज़ First, the contents defining the connective tissues, then distribution of connective tissues in the animal bodies, loose connective tissues, and the fibrous connective tissues. So, connective tissues. So, connective tissue is the, actually the diverse group of tissues which are mainly involved in binding and wrapping the organs. So, this is the overall sportive and the binding function. यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो बेसिक फंक्शन है एक तो ये डाइवर्स ग्रुप है यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक इस तरह के होते हैं इस तरह के होते हैं बल्कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व हैं और इन तमाम टिश्यूज़ का जो बेसिक फंक्शन है वो एक तो सपोर्टिव रोल है कि वो डिफरेंट टाइप्स से सपोर्ट प्रोवाइड करें वो सपोर्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हो सकती है वो सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के रेफरेंस से भी हो सकती है इसी तरह से वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बाइंड करते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन को जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन खास खास पोजिशन के ऊपर मौजूद हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की या बॉडी ऑर्गन की जो पोजिशन है वो उसको अपनी जगह पर पकड़ कर रखने का जो काम है ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट आवर बॉडी हमारे तमाम बॉडी ऑर्गनस के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं और ये वहाँ डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ की खास जो पहचान है वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में सेल्स जो हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलोलर मटीरियल के अंदर इम्प्रेगनेटेड होते हैं यानी यूँ समझ लें कि सेल्स हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलोलर मैट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर ये सबमर्ज होते हैं या फिर उसके अंदर जा वो मौजूद होते हैं अब जो मैट्रिक्स है जिसको हम कह सकते हैं नॉन सेलुलर मटेरियल जो है वो कनेक्टिव टिशूज़ के अंदर नॉन सेलूर मटेरियल या मैट्रिक्स जो है वो आम तौर पर डिफरेंट हो सकता है कुछ के अंदर ये सॉलिड फॉर्म में है कुछ टिश्य कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है कुछ कनेक्टिव टिशूज़ ऐसे हैं जिसमें ये सेमी सॉलिड फॉम फॉर्म में है तो इसलिए हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिशूज़ का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है सेल्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू को दो चीज़ें बनाती हैं सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल तो सेल्स को जो आगे पीछे जिसने चीज़ ने जो कवर किया होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में दे मे बी फ्लूड इट मे बी सेमी सॉलिड इट मे बी इन सॉलिड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में हो सकता है तो जनरली हम कुनेक्टिव टिश्यूज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं देट इज़ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्य सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड द हार कनेक्टिव टिश्यूज लूज कनेक्टिव टिश्यूज एट द नेम इज इंडिकेटिंग ये बेसिकली ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एक्स्ट्रा सेलर मटीरियल के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसके साथ इलास्टिक जो है वो थ्रेड्स जो है वो इंटरवोवन होते हैं और इन की अरेंजमेंट आम तौर पर बहुत कम्पैक्ट या बहुत डेंस नहीं होती है या लेस डेंस उसको कह सकते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है अच्छा एक चीज़ आप थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लें कि जो जब हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलोर मटीरियल एक्स्ट्रा सेलोर मटीरियल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव फाइबर्स हैं या कनेक्टेड टिश्यूज़ के फाइबर हैं या फिर इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में अरेंजमेंट जो होगी वो इलास्टिक बनेगी यानी कि सेल्स क्या होंगे थोड़े से इलास्टिक होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ आम तौर पर बॉडी ऑर्गन्स को रैप करते हैं और ये सपोर्टिव पोजिशन यानी जैसे हमारे किडनीज़ को रैप करके रखना हार्ट को रैप करके रखा हुआ है तो ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को रैप करके रखना अपनी अपनी पोजिशन पर रखना जो है वो इसका फंक्शन इसका बेनिफिट ये है कि जब अगर जब ट्रॉमा ट्रॉमा का मतलब होता है कि एक्सीडेंट होता है कोई अचानक से गिरते हैं तो जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको लूज कनेक्टेड टिश्यूज किसी भी तरह के डैमेज से बचा कर रखते हैं यानी कुशन की तरह काम करते हैं ये स्प्रिंग की तरह काम करेंगे बॉडी को ऑर्गन को बचा कर रखेंगे हिर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यूज अगर आप इसमें देखें लूज कनेक्टेड टिश्यूज जो इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्स के अंदर आपको अगर हमारे पास जो है वो कोलेजन फाइबर्स नजर आ रहे हैं तो ये कोलेजन फाइबर जो आप देख रहे हैं ये डार्क पिंक कलर की जो लाइन्स हैं ये बेसिकली कोलेजन फाइबर्स हैं इसके अलावा आपको ये ये ब्लैक कलर की क्रॉस लिंकिंग नजर इन क्रॉस में इलास्टिक फाइबर्स नजर आ रहे हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स का आपस में इंटर यानी एक नेटवर्क जो है वो बनता नज़र आता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज को सेकेंड टाइप है जैसे हमने बात की है, है। कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज में बेसिकली जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं जबकि फाइब्रस कनेक्टिव टिशूज़ के अंदर दे आर डेंसली अरेंज जो कोलेजन है, है, फाइबर्स हैं डेंसली अरेंज हैं दे आर मेकिंग द पैरल लाइन अब अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो लोकेशनस हैं दे आर प्रेजेंट इन द डरमेस ऑफ स्किन सब मिकोज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और इस तरह से जो डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं उनके जो मेम्बर हैं या कैप्सूल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो दे आर मेड अपाइब्रस कनेक्टिव टिशूज़ हैं यानी इसमें जब कैप्सूल की मैं बात करूँ जॉइंट्स के कैप्सूल की बात कर रहा करूँ तो हमारे तो तो जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लुइड होता है वो बेसिकली कैप्सूल होता है जो इस फ्लूड को लीक नहीं होने देता है तो ये जो कैप्सूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ फंक्शन ऑफ फाइबरस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज इज़ टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इसका बेसिक फंक्शन जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होगा हेर वी हैव डायग्राम ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें आप देख सकते हैं कि जो लॉइंस हैं कोलेजन फाइबर्स की वो बड़ी डेंसली हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्या है कि बिल्कुल साथ साथ जो है वो अरेंज हैं तो इस तरह से डेंसली पैक्ड पैरल फाइबर्स हैं और इनका बेसिक फंक्शन जो है वो सपोर्टिव रोल है यानी कि जो बॉडी ऑर्गन है या कह सकते हैं जिसको जो कैप्सूल्स हैं या मेम्ब्रेंस हैं उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं ये दे आर नॉट फॉर दी यानी जस्ट आर्गन को पकड़ कर नहीं रखना बल्कि आर्गन का एक स्ट्रक्चर बनाना सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो बनाने में हेल्प आउट करते हैं